हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। मैंने सोचा पर्स दे दूं उनका, क्योंकि वो पर्स रख के भूल रहे थे और रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैंने टिफिन भी बना दिया है। टिफिन में मैंने बनाया है फ्राइड राइस, क्योंकि उनको दोपहर में हल्का खाना खाना होता है। राइस उनको दही वगैरह से खाना होता है, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को राइस बना के दे दो, और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो इसके लिए प्लीज़ इग्नोर करना। सुबह का टाइम था तो हस्बैंड की चीज़ें मैं ले जाके ना टेबल पे रख देती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ वो भूल जाते हैं, जैसे रुमाल है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो बाद में मुझे ही चिल्लाते हैं। उसके बाद उन्होंने कपड़े निकाल के सब बेड पे रखा था धोने के लिए। अब मैं इनको ले जाऊंगी, कपड़े मशीन में डालूंगी धोने के लिए। तो सुबह कुछ मेरे ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें मुझे जो है हर हाल में करना ही होता है। इनको मैं टाल नहीं सकती हूँ, या फिर क्योंकि कपड़े जो है डेली चाहिए होते हैं, हस्बैंड को साफ़ सुथरे चाहिए होते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनके कपड़े जो है सारे धुले हुए रखे हों, और आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है नीचे। और उसके बाद जो है मुझे झाड़ू लगाना था, लेकिन बेटा जो है सो रहा था। जैसे मैंने पंखा बंद किया तो वो जो है इसमें मेलने लगा कि उसको गर्मी लग गई। तो फिर मैं एसी जो है चालू करके उसके बाद जो है झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बेटे को गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड डब्बा रखा है, इन सभी का आज मैं जो है यूज़ करूँगी, कुछ ना कुछ बनाना है। तो फिलहाल रूम तो जो है साफ़ सुथरा था, कूड़ा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शाम को जो है मैं एक बार सफाई कर देती हूँ। और घर मेरा वैसे साफ़ सुथरा ही रहता है, आप सबको पता है, कुछ ज़्यादा गंदगी रहती नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई का कीड़ा जो है ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और विकराल गर्मी पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। लू इतना चल रहा है ना बाहर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी से। हमारे घर में सर्दी हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। ये देखिए, पूरा गर्मी से जो है ना मेरे को छाले निकल गए हैं यहाँ पे, और छाले निकल निकल के फूट रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, दिख रहा है आपको पूरे ये जो है ना, मेरी तो चमड़ी भी निकल रही है फूट फूट के। पूरा जो मैं धूप में गई थी ना 2 दिन बाहर। कौन है? उसकी वजह से मेरी चमड़ी छिल गई है पूरी, बाहर पूरे जो छाले होते हैं ना वो भर गए हैं, और छाले सोने की वजह से फूट गए हैं पूरा बह के। बहुत बुरा हाल है। बहुत अभी देखा ना, थोड़ी देर के लिए मैंने पंखा बंद किया झाड़ू लगाने के लिए, तो महाराज जी जो है ना एकदम व्याकुल हो गए मेरे बेटे। और बहुत अति वाली गर्मी पड़ रही है, बिना एसी का तो काम ही नहीं चल रहा मेरे घर में ना। हर टाइम एसी चल रहा, हर टाइम एसी चल रहा है। चलो सुबह का टाइम है, मैंने ऑलमोस्ट घर के सारे काम निपटा लिए हैं, साफ़ सफाई सब ऑलमोस्ट डन हो जाता है। हस्बैंड का टिफ़िन भी दे दिया, और अब मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि रात को बहुत सारी चीज़ें शाम को हैवी हो गया था। हम बाहर के फूड वगैरह, गोलगप्पे, जलेबियाँ बहुत सारे खा लिए, तो जिसकी वजह से ना किसी का भी खाने का मन नहीं। वेज रोल जो है ना, रोल जो आए थे इतने हैवी हो गए थे ना कि किसी का भी रात को खाना खाने का मन नहीं किया। बच्चों ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, किसी ने भी नहीं खाया। सब ने कोल्ड कॉफ़ी पी और चुपचाप सब सो गए। तो अभी मुझे पता है बच्चे उठेंगे तो बच्चों को भूख लगेगी, तो जल्दी जल्दी मुझे लंच की तैयारी भी करनी है। चलो पहले घर के कुछ काम भी निपटाते हैं। अभी इनफैक्ट बहुत टाइम है मेरे पास, तो उससे पहले मेरे को घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं और कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। तो अभी शाम को एडिटिंग करने बैठी हूँ, और बच्चे खेल रहे हैं और इतना शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सुबह टाइम था मेरे पास हस्बैंड के जाने के बाद, तो मैंने यहाँ पे इसको मिरर चिपका के रख लिया, ताकि मुझे बस इसमें पुट्टी लगाने का काम रह जाए। और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं इसे कहाँ पे लगाऊंगी, वॉल पे लगाऊंगी या फिर किसी टेबल पे। तो कुछ मेरे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र थे जो कि काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे इधर का उधर, तो इनको भी मैं आज जो है सेट करके रखूँगी अपने अलमीरा में। तो उनको सेट किया, उसके बाद पूरा बेडरूम को सेट किया, चेंज किया। तो बताना, थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ। अभी बेटा सो रहा है तो मैं ज़्यादा लाइट नहीं जला सकती, नहीं तो फिर वो उठ के बैठ जाएगा, अभी सुबह का टाइम ही है। तो इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस कर रही हूँ,
और अभी बेटी को दिया है पेंटिंग बनाने के लिए, तो वो पेंटिंग का काम कर रही है। ये देखिए मेरा बोतल भी बन के रेडी हो गया है, जो मैंने रूह अफ़ज़ा की बोतल से उस दिन मैं बना रही थी, इसका मैंने थोड़ा सा ही वीडियो शेयर किया था, लेकिन अब ये बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने लाइट वगैरह भी लगा दिया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरीके से मैंने बेड के ऊपर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि इधर उधर फैली रहती थी। एसी का रिमोट वगैरह सब इसी पे सेट करके रख दिया है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चाय बनाई बेटी के लिए और बेटे के लिए, दोनों उठ गए थे तो उनके लिए मैं पहले चाय बना रही हूँ, उसके बाद मैं उनको ब्रेड सेक के दूँगी, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं बिस्किट वगैरह नहीं देती हूँ, गर्मी है तो ब्रेड ही सेक के दे दूँगी। तो अब पानी चला गया था तो मैंने नल चालू किया पानी आ जाए। तो यहाँ पे मैं अपना किचन दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है अपना किचन, नीट एंड क्लीन एकदम। मेरा किचन में एक एक चीज़ चमकती रहती है, कुछ भी आपको गंदा या फिर डस्टी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5-6 ब्रेड सेक लिया था दोनों दोनों बच्चों के लिए। तो देखिए पूरा पोछा वगैरह सब लगा के एक एक चीज़ सब क्लीन कर दिया है। देखिए आपको नीचे तक भी सब चमकता हुआ दिखेगा। और जब आपका किचन और घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। घर हमेशा, किचन हो घर हो, हमेशा साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। कुछ भी गंदगी घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गंदा घर किसी को भी अच्छा नहीं हाय लगता। गाइस, अभी गुड आफ्टरनून होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है। मेरे घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और बहुत आसान नहीं है इन सभी चीज़ों को मैनेज करना। पहले मैं फ़ोन कहीं लगाती हूँ फिर बात करती हूँ। हाँ, तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, लेकिन फिर भी सुबह से उठ के सब कुछ मैनेज करती रहती हूँ करती रहती हूँ करती रहती हूँ। और घर किचन हर एक चीज़ साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना कितना अच्छा सुकून देता है जब आपका घर अच्छे से रहता है। और अब मुझे ज़्यादा रिलैक्स मिलता है जब मेरा किचन एकदम ऑर्गेनाइज रहता है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं फटाफट बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने रात को खाना नहीं बना था, किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था, तो खाना बना ही नहीं था। और मेरा कैमरा जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो माइंड मत करना। तो सुबह उठने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, साथ के साथ अपने घर को भी मैनेज कर सकते हो। अगर मुझे भी सुबह उठ के सिर्फ नाश्ता बनाना होता है, खाना बनाना होता है, तो मेरे घर का काम बहुत पहले ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है ना। सुबह का लंच, उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो है लंच बनाना होता है, फिर रात को डिनर बनाना होता है, बर्तन धोने होते हैं। तो ये छोटे से काम तो मेरा कब का निपट जाता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ मुझे घर भी पूरा ऑर्गेनाइज रखना होता है, साफ़ सुथरा रखना होता है, सजा के रखना होता है, और बीच बीच में मैं कुछ DIY भी करती रहती हूँ। तो इस वजह से मेरा टाइमिंग थोड़ा सा जो है ना मैनेज कर पाना मुश्किल है, आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है चीज़ों को मैनेज कर पाना। तो अभी करेक्ट जो है 12 बजने वाले होंगे शायद, अभी 12 बज के, अभी जब मैं देखने आई थी तो 12 बज रहे थे, अब भी देखो आप 12:15 हो रहे हैं। मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट भी कर रही थी, और मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं ना ये शीशा चिपकाया मैंने इस पे ट्रे पे, तो इसका मैं कुछ बनाने वाली हूँ, देखते हैं क्या बनता है। और थोड़ा सा चेंजेस किया है, ये देखिए बेडरूम को थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं, तो जब चेंज हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, अच्छी वाइब्स भी आएगी। तो यही रहता है मेरे साथ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती है, साफ़ सुथरा करके रखना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ, और ज़्यादा थकने के कभी नहीं बावजूद चला भी मैं। सकता है, अलसी है क्या तू? पक्का तो चला ही सकता है ना। सो गाइस, काम के टाइम पे ना लाइट चली जाती है तो गुस्सा बहुत आता है। हाँ, वे रो रही हूँ बहुत ज़्यादा।
मेरा पनीर भी जल गया पूरा। अरे आज तो इसने मेरे को बहुत रुला दिया। ये मेरा लड़का है ना, मेरे को बहुत परेशान करता है। ये मेरा लड़का है ना, मेरे को बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। आह आह ये एक तो गर्मी, ठीक है, दूसरा लाइट चली गई, तीसरा प्याज काट काट के आंखों की बहुत बुरी हालत हो गई। पूरा आंखें मेरी लाल हो गई प्याज से, और प्याज ख़त्म है, टमाटर नहीं है घर में, आलू नहीं है, सब्जी एक भी नहीं है। कल मैंने हस्बैंड को इतना बोला कि सब्जी लेने दो, सब्जी लेने दो, बट लेने ही नहीं दिया मुझे सब्जी। अब खाना मैं कैसे बनाऊँ, पनीर की सब्जी बिना टमाटर बिना प्याज की कैसे बनेगी। बड़े मुश्किल से छोटे छोटे प्याज निकले हैं मुझे, मेरे छोटे छोटे प्याज, तो उन्हीं से मैं बनाऊँगी सब्जी, जैसे तैसे बनाऊँगी, क्या करूँ, टमाटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो घर में काम कर करके ना हालत, पैरों की हालत, और ऊपर से लाइट चला जाए और ऊपर से पानी भी चला जाए, तो सोचो कितनी डिफ़िकल्टी होती है। बहुत मुश्किल होता है घर को इस तरीके से संभालना ना। जैसे ही बात करके ख़त्म फ़ोन रखा मैंने ना, वैसे ही लाइट चली गई, और उसी समय पानी जो है ख़त्म हुआ था, और किसी ने मोटर चलाया था, पानी आना स्टार्ट हुआ था, और एग्जैक्ट टाइम पे लाइट चली गई। अब खाना रुक गया, मेरा पनीर जल गया थोड़ा सा अंधेरे में, मैं क्या बोलूँ, सब सत्यानाश हो गया, बच गया है वैसे तो। ये देखिए थोड़ा बहुत तो बच गया है, एक तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है। अब अंधेरे में जो भी हुआ क्या कर सकते हैं। चलो अब लाइट आ गई है, फटाफट लंच बनाते हैं, नहीं तो फिर से लेट हो जाऊंगी। बाय बाय। सो माई फैमिली, और लंच का टाइम तो अभी नहीं हुआ था, फिर भी मैं फटाफट लंच बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है, और अभी 12 भी नहीं बजे हैं। तो मैं जो है पनीर की सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। लाइट चली गई थी तो जिसकी वजह से पनीर जो है मेरा थोड़ा सा जल गया, और घर में कोई भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई बच्चों के लिए। सब्ज़ी चावल एंड रोटी बनाई और खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तो बच्चों को जो है डिहाइड्रेशन ना हो, या गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ मैं लिक्विड जो है बच्चों को बना के देती रहती हूँ, ताकि बच्चों को एनर्जी मिले, क्योंकि बच्चे गर्मी और पसीने से यहाँ सारी पे मैंने एनर्जी जो है निकल ट्रे जाती बना है। दिया है, अभी सूख रहा है, अभी थोड़ा सा बाकी है सूखने के लिए, ये तो फिर मैं मिरर क्लीन करूँगी सूखने के बाद। जब ये जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम वो इस पे खाना भी खा सकते हैं ना। इस पे खाना क्यों खाएंगे, सजाने के लिए बनाया है। और यहाँ पे बन रही है पेंटिंग, और एक इसको भी सही करना है, सूखने देते हैं पहले, अभी गीला है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, और शाम के 6-7 बजने वाले हैं, सारे काम हो गए हैं, मैं थोड़ा सा रेस्ट किया है, मैंने अभी जस्ट उठी हूँ, पूजा वगैरह कर लिया है, लल्ला को भोग लगा दिया है, और थोड़े से चेंजेस किए हैं रूम में, देख सकते हैं। और अभी बेटी जो है ये देखिए, तो यहाँ पे लगा दिया, स्पेस काफ़ी हो गया था ना उस तरफ, मैं बेड के कॉर्नर पे ही साइड पे ही चाहती थी टेबल लगाना, तो पहले तो स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने उस कोने पे लगाया था, तो अच्छा भी नहीं लगता था। अभी स्पेस हो गया तो मैं फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ऊपर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ सेटअप किया है। तो गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कमर में हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है मेरे, तो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं रह रही, ज़्यादा देर में बैठ नहीं पा रही हूँ, तो इसकी वजह से ना वीडियो शूट हो पा रही है, ना घर के काम हो पा रहे हैं, फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ धीरे धीरे करके। तो चलो, आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, अगर कुछ होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ यहीं पर एंड कर दूँगी वीडियो का। मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, या फिर नेक्स्ट वीडियोस में। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। बाय 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 बाय।